five kids A, B, C, D, and E, and four adults F, G, H, K are to be seated in three cars, car 1, car 2, car 3, for going on a trip. The following rules will be followed for seating them in cars. जी हाँ, ये five kids हैं और four adults हैं. तीन कारें हैं और इसमें इन्होंने एक ट्रिप पर जाना है जिसमें अरेंजमेंट के रूल इस तरह से होंगे. At least one adult must be seated in each car. Each car में एक adult होना ज़रूरी है. फिर A and D must be in the same car. यानी कि A और D साथ साथ आएंगे. दोनों ने एक ही कार में आना है, किसी में भी. B and K cannot be in the same car. B और K इकट्ठे नहीं हो सकते. C and G cannot be in the same car. इसी तरह से C and G भी इकट्ठे नहीं हो सकते. Neither C nor K can be in car 2. Car 2 में C और K. Car 2 में C और K नहीं हो सकते. ना C होगा, ना K होगा, ना ही दोनों होंगे, क्योंकि neither C nor K. अब क्वेश्चन है, इफ A इज इन कार 1, कार 1, कार 2 और कार 3. अब वो कहता है A इज इन कार A. A जो है वो कार A में आ गया. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू. इनमें से कौन सा कुड बी ट्रू, यानी कि ये ऑप्शनल होगा. कुड पॉसिबिलिटी, पॉसिबली ट्रू हो सकता है. अब अगर A कार 1 में है तो इसके साथ D भी आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. उसके बाद C और K कार 2 में नहीं हो सकते, तो ये लाजमी तौर पर या तो कार 3 में होंगे C और K, या फिर ये 1 में जा सकते हैं पार्शली. अच्छा, उसके बाद बाकी जो हमारे पास बचता है वो था कि A और D आ चुके. ये A और D दोनों आ चुके. फिर C भी आ चुका, ये C भी ख़त्म हो गया. फिर उसके बाद K भी आ चुका, तो ये K इधर से ख़त्म हो गया. अब हमारे पास B और E मौजूद है. B के साथ तो K नहीं आ सकता और K कार 3 में आ चुका है, तो हम B को कार 2 में रखते हैं और G जो है वो C के साथ नहीं आ सकता, तो हम इसको यहाँ डाल देते हैं, B और G. अब हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन ये है. अब हमारे पास बाकी क्या बचा है, B भी आ चुका, तो एक तो E बचा हुआ है. फिर इधर से हम देखें तो ये G भी आ चुका और K भी आ चुका. अब हमारे पास यहाँ पर है एडल्ट्स में F और H बचे हुए हैं. अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं. B एंड E आर इन कार 3. B एंड E आर इन कार 3. B ऑलरेडी मौजूद है लेकिन E ये कार 3 में. कार 3 में B नहीं आ सकता क्योंकि B ऑलरेडी कार 2 के अंदर मौजूद है, और ये यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि C और K फिर कार 2 में अलाउड नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. फिर है B एंड G आर इन कार 3. B और G कार 2 में आए हुए हैं, कार 3 में नहीं आ सकते क्योंकि फिर हमें C और K में से कोई ऊपर कार 2 में ले जाना पड़ेगा, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है. फिर F एंड H आर इन कार 1. F और H इनकी दोनों की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये किसी जगह पे भी प्लेस हो सकते हैं अगर तादाद के लिहाज से वायलेशन ना हो तो. तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कार 1 के अंदर एक एडल्ट लाजमी आना है F और H में से, तो ये दोनों भी यहाँ आ सकते हैं, ये पॉसिबल है. और हमने कुड भी बताना था, इसलिए ये कुड भी के लिहाज से ट्रू हो सकता है. फिर हम डी ऑप्शन को देखते हैं. ई एंड के आर इन कार 2. नो, के इसके अंदर कार 2 में नहीं आ सकता क्योंकि सी और के दोनों ही कार 2 में नहीं आ सकते, इस लिहाज से ये भी गलत है.
तो जो ऑप्शन हमारे पास बचता है कुड बी ट्रू, वो है सी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।